हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बालोठी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंबलडन ओपन 2019, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन ओपन 2019 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो देखो, अभी विंबलडन ओपन 2019 का समापन हो चुका है और 2019 का ये कौन से नंबर का संस्करण था, 133वें नंबर का संस्करण था। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो, जो विंबलडन जो प्रतियोगिता था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, यूके में किया गया। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किया गया इसका आयोजन, यूके में किया गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया। और वो कब से कब तक किया गया था, 24 जून से 14 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो जो मैन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कि नोवाक जोकोविक ने क्या जीता है, मैन सिंगल का खिताब जीता है। और इसने किसको हरा के जीता है, रोजर फेडरर को हरा के इन्होंने मैन सिंगल का खिताब जीता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविक है वो कौन से देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। तो जो भी खिलाड़ी हों वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, नोवाक जोकोविक का ये कौन सा ग्रैंड स्लैम था, 16वां ग्रैंड स्लैम था, और इनका 5वां क्या था, विंबलडन था। याद रखना कि इनका 16वां, नोवाक जोकोविक का 16वां तो ग्रैंड स्लैम था और इनका 5वां क्या था, विंबलडन था। अब देखो, जो ग्रैंड स्लैम होती है उसमें चार प्रकार के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इस प्रकार से कितने प्रकार के टूर्नामेंट खेले जाते हैं, चार प्रकार के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल यानी कि ओमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो जो ओमेन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है, सिमोना हालेप ने जीता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा के ये खिताब जीता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिमोना हालेप है वो कौन से देश की खिलाड़ी है, रोमानिया की खिलाड़ी है, रोमानिया देश की खिलाड़ी है। और जो सेरेना विलियम्स है वो कहाँ की खिलाड़ी है, यूएसए की खिलाड़ी है, यूएसए की खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो जो पुरुष एक युगल का खिताब है वो किसने जीता है, जुआन सेवेस्टियन केवेल तथा रॉबर्ट फरार ने ये खिताब जीता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जुआन सेवेस्टियन केवेल तथा रॉबर्ट फरार है ये दोनों ही कौन से देश के खिलाड़ी हैं, कोलंबिया के खिलाड़ी हैं। अब हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में महिला युगल वर्ग यानी कि ओमेन डबल टाइटल का खिताब किसने जीता है। तो ओमेन डबल टाइटल का खिताब किसने जीता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बारबोरा स्टिकोवा तथा एसीएसू वेई ने ये खिताब जीता है। अब देखो, जो बारबोरा स्टिकोवा है ये कौन से देश की खिलाड़ी है, चेक गणराज्य की ये खिलाड़ी है। और एसीएसू है ये ताइवान की खिलाड़ी है, कहां की खिलाड़ी है, ताइवान की ये खिलाड़ी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के मिश्रित युगल वर्ग यानी कि मिक्स डबल कैटेगरी का खिताब किसने जीता है। तो जो मिक्स डबल कैटेगरी का खिताब है वो किसने जीता है, लसीहा चान, लतीसा चान और इवान डोडिग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन को किसने किसने जीता है, लतीसा चान और इवान डोडिग। तो आपका बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसमें
जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें कितने प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं? चार प्रकार की प्रतियोगिता होती है, और इन चारों प्रतियोगिता में कितने प्रकार की टूर्नामेंट होते हैं? पांच प्रकार के गेम्स होते हैं। अब जो मिक्स्ड डबल कैटेगरी है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक साइड में एक महिला और एक पुरुष होते हैं, और दूसरी साइड में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल्डन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेली जाती है। तो जो विमल्डन ओपन है वो कौन से प्रकार के कोर्ट पे खेली जाती है? हरी घास के कोर्ट पे, यानी कि हरी घास के मैदान पे ये प्रतियोगिता खेली जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो हार्ड मैदान है यानी कि हार्ड कोर्ट है, उस पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों प्रतियोगिता किस पे खेली जाती हैं? हार्ड कोर्ट पे खेली जाती हैं। और फ्रेंच ओपन है वो कौन से, मिट्टी के मैदान यानी कि कले के मैदान में ये प्रतियोगिता खेली जाती है, फ्रेंच ओपन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल्डन ओपन की शुरुआत कब से हुई है। तो विमल्डन ओपन की जो प्रतियोगिता है वो पहली खेली गई प्रतियोगिता थी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? बी 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल्डन ओपन किस महीने में खेला जाता है। तो जो विमल्डन ओपन है वो कौन से महीने में खेला जाता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जून और जुलाई महीने में ये विमल्डन प्रतियोगिता खेली जाती है। तो देखो, सबसे जो जनवरी फरवरी में खेली जाती है वो कौन सी खेली जाती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है, और मई और जून में जो खेली जाती है वो कौन सी खेली जाती है, फ्रेंच ओपन खेली जाती है, और अगस्त और सितंबर में जो खेली जाती है वो कौन सा खेला जाता है, यूएस ओपन खेला जाता है। तो ये चारों जो ग्रैंड स्लैम हो वो सीरीज वाइज होते हैं। तो जो विमल्डन ओपन है वो कौन से महीने में खेली जाती है, जून जुलाई महीने में खेली जाती है। तो अभी ये खेली गई थी 24 जून से 14 जुलाई के बीच में ये खेली गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो देखो, सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन से खिलाड़ी ने जीते हैं। तो देखो, अभी जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीते हैं, रोजर फेडरर ने जीते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोजर फेडरर ने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने, मैंने आपको बताया था, नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितना, इनका 16वां ग्रैंड स्लैम था, और राफेल नडाल का कौन सा है, 18वां ग्रैंड स्लैम था, और जो नाओमी ओसाका है इसने अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम ही जीते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा, रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं, 20। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला गया था। तो सबसे पहले जो खेला गया था वो कौन सा ग्रैंड स्लैम था, विमल्डन ओपन था। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कब खेला गया था, तो आपको पीछे बताया था 1877 में सबसे पहले खेला गया ग्रैंड स्लैम कौन सा था, विमल्डन ओपन था। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल्डन ओपन किस देश में खेला जाता है। तो जो विमल्डन ओपन है वो कौन से देश में खेला जाता है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में खेला जाता है। और जो फ्रांस में जो खेला जाता है, देखो फ्रांस से रिलेटेड है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है, फ्रांस में खेला जाता है। यूएसए में कौन सा खेला जाता है, यूएस ओपन खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।